पल्लव राजवंश दक्षिण भारत के क्षेत्र पर स्थित था। पल्लव वंश का शासन काल 275 से 897 तक रहा। उन्होंने धर्म, दर्शन, कला, सिक्के और वास्तुकला के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली शासक थे। महेंद्रवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लवों की शक्ति के शिखर थे। चोंडीमंडलम में अपने शासनकाल के दौरान वे दक्षिण में चोल और पांड्य के तमिल राज्यों और उत्तर में बादामी के चालुक्यों के साथ मतभेद में थे। उनके किनारे के मंदिर का डिजाइन उनके बारे में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इस लेख में हम पल्लव राजवंश 275 CE to 897 CE पर चर्चा करेंगे। पल्लव राजवंश इतिहास। पल्लवों का इतिहास अस्पष्ट है। इतिहासकारों द्वारा अनेक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि वे पार्थियन लोगों की एक शाखा है, एक ईरानी जनजाति जो धीरे धीरे दक्षिण भारत में चली गई। कुछ लोग दावा करते हैं कि वे एक स्वदेशी राजवंश है जिनकी उत्पत्ति दक्षिण में हुई थी और जो विभिन्न कुलों का मिश्रण था। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार वे मद्रास के पास चोंडीमंडलम क्षेत्र से उत्पन्न हुए थे और सबसे पहले वहीं बसे थे। एक अन्य परिकल्पना में कहा गया है कि वे मणिपल्लवम में जन्मी नागा राजकुमारी और चोल राजकुमार श्रीलंका की संतान है। कुछ लोग सोचते हैं कि सातवाहनों का पल्लवों से विवाद था। चौथी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में पहले पल्लव राजाओं ने शासन किया। बादामी के चालुक्यों, मदुरै के पांड्यों और कांचीपुरम के पल्लवों ने सातवीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणी भारत पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। पल्लव राजवंश के संस्थापक। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिम्हा विष्णु को माना जाता है। वह एक सफल विजेता और सेनापति था जिसने कांची, जिसे कांचीपुरम भी कहा जाता है, को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। वह सिंहवर्मन तृतीय के पुत्र और भारत के सबसे प्रतिष्ठित पल्लव शासकों में से एक अग्निसिम्हा के रूप में भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने 556 से 590 तक शासन किया। पल्लव राजवंश विस्तार। कांचीपुरम पल्लवों का मुख्य शहर था। जब वे अपने सबसे शक्तिशाली स्थान पर थे तो उनका क्षेत्र आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से लेकर दक्षिणी कावेरी नदी तक फैला हुआ था। पल्लवों की शक्ति ने सातवीं शताब्दी के दौरान चोलों को एक छोटी शक्ति में बदल दिया। पल्लव सम्राट नरसिंहवर्मन, जिन्होंने चालुक्यों को उखाड़ फेंका, ने वातापी बादामी पर कब्जा कर लिया। कालभ्र विद्रोह को समाप्त करने के लिए पांड्य, चालुक्य और पल्लव सभी ने मिलकर काम किया। कालभ्र ब्राह्मण शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए अनगिनत भूमि अनुदान ब्रह्मदेय का विरोध कर रहे थे। पल्लव वंश के शासक शिवस्कंद वर्मन चौथी शताब्दी। आरंभिक राजाओं में वह सबसे शक्तिशाली था। इसकी शुरुआत चौथी शताब्दी ई में शासक के रूप में हुई। ये चार्टर 283 ई में कांची के शिवस्कंद वर्मन द्वारा दिया गया था, जो एक पल्लव राजा था जिसने 275 ई से 300 तक शासन किया था। उन्होंने अश्वमेध और अन्य वैदिक प्रसाद अर्पित किए। सिंहवर्मन सिंधु विष्णु 575 टू 600 राजवंश का पहला राजा सिंधु विष्णु था। शाही पल्लवों का युग तब शुरू हुआ जब सिंधु विष्णु ने कालभ्रों को परास्त किया। उन्होंने चोल, पांड्य और चेर देशों के राजाओं को भी उखाड़ फेंका। कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच पूरे क्षेत्र पर उसका पूर्ण अधिकार था। उसका नाम अम्नसिंह था और वह विष्णु, पृथ्वी का सिंह की पूजा करता था। परंपरा ये है कि महान कवि भारवी ने उनसे उनके महल में मुलाकात की थी। महेंद्रवर्मन 600 टू 630 सिंधु विष्णु के पुत्र महेंद्रवर्मन प्रथम ने उसका अनुसरण किया। वह कई कौशलों वाला एक बहुज्ञ था। वह एक राजनीतिज्ञ, एक सैनिक, एक कवि, एक वास्तुकार, एक संगीतकार और एक धार्मिक सुधारक थे। मतविलास के अलावा उन्होंने चित्रकार पोली, विचित्र चित्र, गुंडाभरा और ललितानकुरा की उपाधियां भी धारण की। लंबे समय से चला आ रहा पल्लव चालुक्य विवाद इसी काल में प्रारंभ हुआ। कांची के निकट पुलकेशिन द्वितीय ने पुल्लूर युद्ध में महेंद्रवर्मन प्रथम को हराया। पुलकेशिन द्वितीय पल्लव राजधानी तक पहुंचने के करीब था जब महेंद्रवर्मन ने उसे अपने उत्तरी प्रांतों का नियंत्रण देकर शांति खरीदी। नरसिंहवर्मन प्रथम 630 टू 668 पल्लव राजवंश का अधिकार और प्रतिष्ठा पल्लवों में सबसे महान नरसिंहवर्मन प्रथम के तहत अविश्वसनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उनका नाम महामला या मामला अरबी में महान सेनानी के लिए है। उनके पिता ने पल्लव चालुक्य युद्ध शुरू किया जिसे उन्होंने प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। वह चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से बदला लेना चाहता था जिसने उसके पिता को हराया था।
उसने पुलकेशिन द्वितीय को 3 संघर्षों में हराया, जिसमें 642 ई में कांची के निकट मणिमंडलम में हुआ युद्ध भी शामिल था। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु वातापी का विजेता के बाद नरसिम्हावर्मन वातापिकोडा के रूप में उसका उत्तराधिकारी बना। पल्लव राजवंश वास्तुकला। पल्लव साम्राज्य द्रविड़ शैली की इमारतों के समर्थन के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने चट्टानों को काटकर बनाई गई इमारतों से पत्थर के मंदिरों में बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें आज भी महाबलीपुरम में देखा जा सकता है। इन शक्तिशाली शासकों ने पारंपरिक द्रविड़ वास्तुकला के मूल सिद्धांतों को स्थापित किया और अविश्वसनीय मूर्तियां और शानदार मंदिर छोड़े जो आज भी खड़े हैं। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने चीन में बौद्ध धर्म के चांद ज़ेन स्कूल के निर्माता बोधिधर्म का वर्णन पल्लव वंश के राजकुमार स्कंदवर्मन चतुर्थ नंदीवर्मन प्रथम के समकालीन और सिंहवर्मन द्वितीय के पुत्र के रूप में किया है। ह्वेन त्सांग ने पल्लव विधान के दौरान कांचीपुरम का दौरा किया और उनके परोपकारी शासनादेश की शोभा बढ़ाई। नरसिम्हावर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम में समुद्र तट मंदिर और कैलासनाथ मंदिर का निर्माण कराया। बेहतरीन वास्तुशिल्प प्रतिष्ठा वाले दो मंदिर कैलासनाथ और वैकुंठा पेरुमल है। पल्लवों के अतीत को दर्शाने वाली मूर्तियां वैकुंठ पेरुमल मंदिर में पाई जा सकती है, जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बहुमंजिला मंदिर है। पल्लव राजवंश के प्रमुख साहित्यिक कार्य। पल्लवों ने स्कूली शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। उनकी राजधानी कांची अध्ययन का एक ऐतिहासिक केंद्र थी। कांची में प्रसिद्ध घटिका ने पूरे भारत और विदेशों से छात्रों को आकर्षित किया। कदम वंश के संस्थापक मयूरसिरमन ने कांची में वेदों की शिक्षा ली। बौद्ध लेखक दिग्नगा ने सीखने के लिए कांची की यात्रा की। धर्मपाल जो अंततः नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने का जन्म और पालन पोषण कांची में हुआ। सिंधु विष्णु के शासनकाल के दौरान प्रख्यात संस्कृत विद्वान भारवी रहते थे। एक अन्य संस्कृत लेखक दिनदिन नरसिम्हवर्मन द्वितीय के महल में अतिथि थे। महेंद्रवर्मन प्रथम ने संस्कृत नाटक मतविलास प्रसन्न की रचना की। इस समय तमिल लेखन भी उन्नत हो चुका था। इस काल में नृत्य और संगीत दोनों का विकास हुआ। तमिल भक्ति संतों ने संगीत और आंदोलन के माध्यम से दयालु भगवान की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। धार्मिक गीतों के गायन के साथ संगीत और नृत्य का प्रयोग किया जाता था। पल्लव राजवंश धर्म। पल्लव राजवंश के स्थानीय धर्म शैव धर्म को अपनाया गया और वे द्रविड़ बन गए। प्रारंभ में पल्लवों की पहचान ब्रह्मा क्षत्रिय हथियारों की खोज में ब्राह्मण के रूप में की गई थी। 5वीं शताब्दी ईस्वी तक पल्लवों को तमिलनाडु के कुरुबा या कुरुम्बर से क्षत्रिय माना जाता था। उन्होंने सनातन धर्म की वकालत की। कुछ राजाओं ने प्रचलित परंपराओं के अनुसार अश्वमेध और अन्य वैदिक बलिदान दिए। उन्होंने देवताओं और ब्राह्मणों को भूमि का उपहार दिया। महेंद्रवर्मन प्रथम बाद में जैन धर्म का भक्त बन गया, जैसा कि संभवतः उसके पिता थे। बाद में महेंद्रवर्मन ने शैव गुरु अप्पार के मार्गदर्शन में हिंदू धर्म अपना लिया। राष्ट्रकूटों के उदय के साथ ही पल्लव राजवंश का पतन हो गया। 897 ई में चोल राजा विजयालय ने अंतिम पल्लव सम्राट अपराजित वर्मन को निर्णायक रूप से हराया। पल्लव राजवंश का पतन। कांची पर विक्रमादित्य द्वितीय के हमले और उस शहर पर अस्थायी कब्जे ने दक्षिण भारत पर पल्लव राजवंश के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया। पश्चिमी भारत के गंग राष्ट्रकूट और पांड्यों ने पल्लव साम्राज्य पर बमबारी की। राष्ट्रकूट साम्राज्य के शासक दंतिदुर्ग ने नंदीवर्मन को परास्त किया। पल्लव साम्राज्य को बिखरने से बचाने के लिए नंदीवर्मन ने अपनी बेटी रेवा को दंतिदुर्ग से विवाह के लिए उपलब्ध कराया। केवल 9वीं शताब्दी ईपू के अंत तक पल्लवों का अधिकार कायम रहा। दंतिवर्मन 795-846 CE, नंदीवर्मन तृतीय 846-869 CE और नृपतुंगा कुछ प्रमुख राजा थे 869-899 CE। अपराजित वर्मन ने 903 ई में अंतिम पल्लव सम्राट के रूप में शासन किया। चोल राजा आदित्य प्रथम ने अपराजित वर्मन को पराजित कर कांची क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत पर अब पल्लवों का शासन नहीं रहा।